नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लैक्रिमल सिरिंजिंग टेस्ट क्या है और लैक्रिमल सिरिंजिंग टेस्ट कैसे किया जाता है और लैक्रिमल सिरिंजिंग टेस्ट क्यों किया जाता है। तो आज हम लैक्रिमल सिरिंजिंग टेस्ट के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं लैक्रिमल सिरिंजिंग टेस्ट क्या है। तो लैक्रिमल सिरिंजिंग टेस्ट तब किया जाता है जब एक पेशेंट अपनी आँख की वाटरिंग की कंप्लेन करता है, तो डॉक्टर उसकी आँख का लैक्रिमल सिरिंजिंग टेस्ट करते हैं। लैक्रिमल सिरिंजिंग टेस्ट करने के लिए एक लैक्रिमल कैनूला की जरूरत पड़ती है और नॉर्मल सलाइन की जरूरत पड़ती है और एक 5 ml या फिर 2 ml सिरिंज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जो पेशेंट है उस पेशेंट को टेबल पे लेटाया जाता है और उसकी दोनों आँखों में टॉपिकल एनेस्थीसिया प्रोपेराकेन आई ड्रॉप डाली जाती है। टॉपिकल एनेस्थीसिया देने से क्या है, पेशेंट की आंखें हैं जो सुन हो जाती है, जिससे कि सिरिंजिंग के दौरान आंख में पेन कम होता है। तो अब आगे है सिरिंजिंग कैसे की जाती है। तो सिरिंजिंग लैक्रिमल कैनूला की मदद से स्लाइन को अपर या फिर लोअर कॉन्टैक्ट के माध्यम से लैक्रिमल सैक में धकेल दिया जाता है। यानी कि आँख के अंदर दो कॉन्टैक्ट होते हैं, अपर और लोअर, उसके माध्यम से सिरिंजिंग की जाती है। तो सिरिंजिंग करने के बाद में हमें रिजल्ट क्या मिलता है। अगर नाक में जो लैक्रिमल पैसेज होते हैं, जो रास्ता होता है, उसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई रुकावट नहीं है, तो जो स्लाइन है वह आसानी से लैक्रिमल सैक में चला जाता है। और अगर नाक के लैक्रिमल पैसेज में कोई रुकावट है या फिर कोई बाधा है, तो जो स्लाइन है वह आसानी से नहीं जाता है। तो जो स्लाइन है वह सिरिंज के अधिक दबाव से लैक्रिमल सैक के अंदर जाता है। और अगर नाक का लैक्रिमल पैसेज पूरी तरह से रुकावट है, पूरी तरह से बंद है, तो जो स्लाइन है लैक्रिमल सैक में नहीं जाता है। तो जिस पंक्ता से सिरिंजिंग कर रही हैं, जैसे लोअर पंक्ता से अगर हम सिरिंजिंग कर रहे हैं, तो जो स्लाइन है वह लोअर पंक्ता से बाहर आ जाएगा। अगर अपर पंक्ता से सिरिंजिंग कर रहे हैं, तो वह स्लाइन अपर पंक्ता से बाहर आ जाएगा, वह लैक्रिमल सैक के अंदर नहीं जाएगा, जो कि एक नेजो लैक्रिमल डक्ट में रुकावट का संकेत देती है। तो दोस्तों, इस तरह से लैक्रिमल सिरिंजिंग टेस्ट किया जाता है। तो लैक्रिमल पैसेज का जो नेजो लैक्रिमल डक्ट है, अगर वह पूरी तरह से बंद होता है, तो उस पेशेंट की DCR सर्जरी करनी पड़ती है। तो दोस्तों, यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ में।